नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक या दो नंबर के होते हैं, ठीक है, वन मार्कर और टू मार्कर, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि परसों है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तीन चार और पांच नंबर के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो उन वीडियोज को देख लें, उन्हें प्रिपेयर कर लें अच्छे से। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एक और दो नंबर में आते हैं ज्यादातर, ठीक है। और ये अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका कवर हो जाता है बायोलॉजी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा इसको भी, जैसे पहले यूनिट वन, यूनिट टू, इस तरीके से यूनिट फाइव तक मैं जाऊंगा। और यहां पे मैं टोटल लगभग आपको 100 से 120 क्वेश्चन लगभग कवर करूंगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन आपको देखने हैं। कैसे देखने हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस में नहीं आना, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है इसका एनसीईआरटी से, इसका एग्जाम्पल देखना है बस, ठीक है। जो इसमें पूछा गया, जैसे किसी का एक्सपेंशन पूछा गया तो उसका फुल फॉर्म बताइए, थोड़ा बहुत उसके बारे में दो तीन लाइन लिखनी है अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो, ठीक है। बाकी आपको तैयार ऐसे करना है कि जैसे कोई, जैसे मान लीजिए मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस दिया है आपको, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका एग्जांपल वगैरह प्रोसेस हल्का फुल्का थोड़ा सा आइडिया हो। अगर एक नंबर में आए, अगर वन वर्ड पे आता ही है तो वन वर्ड में जवाब दीजिए, अगर एक सेंटेंस के फॉर्मेट में आता है तो सेंटेंस के फॉर्मेट में जवाब दीजिए, ठीक है। बाकी कुल मिला के यही क्वेश्चन हैं, घुमा फिरा के यही हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इनको, यूनिट वन में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आप देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है, इसके डेफिनेशन किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल वगैरह। गैमेटोजेनेसिस दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हर्मोफ्रोडिटिज्म, एग्जाम्पल अर्थवर्म वगैरह है तो ये देख लेना आप। पार्थेनोजेनेसिस, और सब एनसीईआरटी से देखना है, कहीं और से नहीं, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के होने चाहिए। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, पॉलिनेशन तीन तरह के होते हैं, ऑटोगैमी, जिनोटोगैमी, जिनोटोगैमी, जीनोगैमी, इनके एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है, ठीक है। और ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इसके बाद इमेस्कुलेशन और बैगिंग ही कई बार पूछता है, एक या दो नंबर में। सिनगैमी, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होती है, डॉर्मेंसी क्या होता है, फॉल्स और ट्रू फ्रूट क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और ये पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एपोमिक्सिस पोलियम्ब्रेन ये बहुत ज्यादा पूछता है। मिनार्च मेनोपॉज पता ही है आपको, नहीं पता तो इसे पढ़िए क्या होता है ये, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज जो स्टॉप होता है फीमेल में या जो स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है। कार्पस ल्यूटियम, इसका फंक्शन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, कई बार पूछता है कार्पस ल्यूटियम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ब्लास्टोमा ट्रोपोब्लास्ट ये पता होना चाहिए, ये जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो जायगोट से जब डिवीजन की स्टेज है तो वो है ये, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पता होनी चाहिए। पार्चुरेशन, कोलेस्ट्रॉम, लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है, कौन सा मिल्क है, कोलेस्ट्रॉम किसे कहा जाता है, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। एमिनोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक जो डिफेक्ट होते हैं बच्चे में उसको पता किया जाता है, खैर इसका मिसयूज हुआ और बच्चे के सेक्स को पता करने के लिए इसे किया जाता था, किया जाने लगा, ठीक है, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। MMR, IMR इसके एक्सपेंशन पता होने चाहिए, क्या है फुल फॉर्म इनका, इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए सबके। IUDs, MTP ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 से ज्यादातर इनके फुल फॉर्म देते हैं, और थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन इनके बारे में पढ़ लेना कि क्या है, ठीक है। ZIFT क्या होता है, स्टेक्नोमी क्या करते हैं, ART आर्टिफिशियल टेक्निक जो है, इंसेमिनेशन का टेक्निक जो है, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वन और टू मार्कर है चैप्टर वन, यूनिट वन से, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक। तो दोस्तों अब हम जेनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट जो वन और टू मार्क क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लेंडिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ब्लेंडिंग की डेफिनेशन दी है आपके जो फर्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक जेनेटिक्स जो है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, और जिसमें मेंडल ने कुछ काम किया अपना, ठीक है, मेंडल के डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड प्रोसेस वगैरह, तो इन्होंने ब्लेंडिंग शब्द वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है इसकी डेफिनेशन आप देखें। इसके बाद है एलील और जीन, जीन और एलील में क्या फर्क है, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। कोडोमिनेंस इंपॉर्टेंट है ये पूछता है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके एग्जाम्पल दोनों के, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के नियम है तीनों, ठीक है, और इनको पता होना चाहिए आपको कि ये क्या कह रहा है, स्टेट्स क्या करते हैं ये नियम, बस इतना आपको इसमें आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये कहते क्या हैं, क्या स्टेट्स करते हैं ये लॉज। इसके बाद है होमोजाइगस, हेटरोजाइगस में क्या फर्क होता है, लिंकेज क्या होता है, हेटरोगैमिटी क्या होता है, इसके अलावा म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इनके एग्जाम्पल और ये इसके डेफिनेशन।
इसके बाद हीमोफीलिया कुछ बीमारियां जो बहुत फेमस हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर मैं कह रहा हूँ हीमोफीलिया क्या होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है, मेन क्या होता है, क्लॉटिंग में दिक्कत हो गई, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम पे दिक्कत हुई है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मेल में, फीमेल वाले, फीमेल में मेल वाले, ठीक है, तो ये सब इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक तो थोड़ा सा सिम्टम्स, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस डिजीज़ में कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा है। दोस्तों सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक है, मतलब जैसे डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम हो रही है, क्लीन फिल्टर टर्नर सिंड्रोम में 23वें क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम हो रही है, तो एग्जैक्ट सेक्स क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम होगी, ये नहीं कि आप 13 क्रोमोसोम पे करवा दें, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद 11th क्वेश्चन जो है यहाँ पे, फिनाइल किटोनूरिया क्या होता है ये पता होना चाहिए, एनोप्लोइडी पॉलीप्लोइडी डेफिनेशन डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोटाइड इनमें अंतर पता होना चाहिए, किस किस चीज़ से मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो न्यूक्लियोसोम क्या जाता है उसे। इसके बाद है हिस्टोन, हिस्टोन एक प्रोटीन है, ये क्या होता है, कैसे इस पे DNF रैप है, इसके चारों तरफ इस तरीके से घुमा हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। क्रोमैटिन पता होना चाहिए, यूक्रोमैटिन हिट्रोक्रोमैटिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन इंट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा इसमें से कोड करता है आगे प्रोटीन को, कौन सा कोड नहीं करता है, ठीक है, तो ये कोडिंग सीक्वेंस कौन सा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक आध लाइन ऐसे पढ़ लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक्सपेंड UTR, UTR का फुल फॉर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक बार ऐसे डेफिनेशन देख लेना है ऐसे सरसरी निगाहों से क्या है ये, ठीक है। BSC YSC एक्सपेंड करना है इनके फुल फॉर्म, SNPs को का फुल फॉर्म, सेटेलाइट DNA क्या होता है ये पता होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 24 क्वेश्चन बताया, 29 क्वेश्चन टोटल इस जेनेटिक्स में मैं आपको बताऊंगा। तो 25th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, VNTR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेना आप। इसके बाद है होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, एडेप्टिव रेडिएशन थोड़ा सा आप देखिए NCERT से क्या है ये। इसके बाद स्टेट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, और फाउंडर इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप कॉपी लीजिए, NCERT लो, और ये क्वेश्चंस के एक एक दो दो लाइन लिखते जाओ उनमें, ठीक है, और जब ये पूरे 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो इनको 1, 2, 3, 4 बार पढ़ के, आज पढ़ लो फिर कल और पढ़ लेना, और फिर एग्जाम आप देने चले जाएं, ठीक है, तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट NCERT से ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए कॉपी में लिख लें इनको, ठीक है, लिखते जाएं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं Unit 3 यानी कि डिजीज के जो वन मार्कर हैं वो क्या हैं। पहला क्वेश्चन जो है कॉजेटिव एजेंट्स जो हैं, देखिए ये जो मेन डिजीज हैं इनके कॉजेटिव एजेंट्स आपको पता होना चाहिए, मतलब पैथोजन किससे बीमारी होती है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, उस बैक्टीरिया वायरस का नाम और कुछ कॉमन सिम्टम्स इनमें, ठीक है, कि इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके बाद इंटरफेरॉन्स क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, डिफाइन कीजिए इससे, एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन इसकी डेफिनेशन, एलर्जी किससे होता है, IgE एंटीबॉडी से, और क्या करता है ये बॉडी में, कैसे अफेक्ट कर रहा है ये आपको, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी एप्लीकेशन क्या है, ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बॉडी में, माल्ट का फुल फॉर्म, एलाइजा का फुल फॉर्म, मेटास्टेसिस क्या होता है, ओपियोइड्स क्या होते हैं इसका एग्जाम्पल, ड्रग्स वगैरह आ गए, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, फिर सिरहोसिस, लीवर सिरहोसिस क्या होता है, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन या इनब्रीडिंग क्या होता है सिंपल, होमोजाइगोसिटी क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये अलग से आ गया फिर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ज़्यादा पूछता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मॉइट एक्सपेंड करना है आपको, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, जर्म प्लाज्म बायो फोर्टिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है। टेबल 9.1 9.2 अगर आप देखेंगे पेज नंबर 174 और 175 पे, तो ये दो टेबल मतलब इसमें डिजीज सॉरी इसमें क्रॉप बताई हुई और उसकी वैरायटी बताई हुई है, तो इसको दोनों को टेबल को आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद SCP सिंगल सेल प्रोटीन इसका फुल फॉर्म और क्या है ये, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। टोटिपोटेंसी पता होना चाहिए आपको, सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, LAB लैक्टोबैसिलस जो है कहाँ पे यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं विद एग्जांपल, BOD का फुल फॉर्म, BOD क्या होता है डेफिनेशन इसकी। मेथनोजन्स क्या होते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पूरा लिख नहीं पाया मैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं।
ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके वन मार्कर और टू मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हैं कौन से यूनिट के डिजीज के, ठीक है। तो दोस्तों यूनिट फोर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो क्या हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्लोनिंग, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं ना आप। तो क्लोनिंग क्या होता है इसको डिफाइन करना है, इन सभी के डेफिनेशन, प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है विद एग्जांपल्स, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है उसका एग्जांपल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है डिफाइन करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डेफिनेशन क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज होती हैं ये सभी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स एग्जाम्पल, ठीक है क्या होता है ये पता होना चाहिए डेफिनेशन भी। ट्यूमर क्या होता है डेफिनेशन, बायोलॉजिस्टिक्स जीन गन इनकी डेफिनेशन विद वन वन और टू एग्जाम्पल जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है विद एग्जाम्पल, पीसीआर फुल फॉर्म आ सकता है, टैक पॉलीमरेज जो है इसका फुल फॉर्म, इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं इसमें या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, जीएमओ को एक्सपेंड करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बीटी को एक्सपेंड करना है बैसिलस थुरिंजेनेसिस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जांपल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन वैसे कम पूछते हैं एग्जाम्पल ज़्यादा पूछेगा। जीएसी को एक्सपेंड करना है, बायोपायरेसी क्या होती है इसको एक्सपेंड करना है। तो वन और टू मार्कर जो होता है ये सारे कवर हो जाते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूनिट फाइव है इकोलॉजी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, वन और टू मार्कर जो क्वेश्चंस हैं वो नेटिलिटी मोर्टिलिटी इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉमेंसलिज्म एमेंसलिज्म एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिज्म ब्रूड पैरासिटिज्म डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटिफिकेशन ह्यूमिफिकेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पीआर को एक्सपेंड करना है क्या फुल फॉर्म है इसका, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं एग्जांपल क्या होते हैं इनके, स्टैंडिंग क्रॉप फूड चेन फूड वेब इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एक दो लाइन की, ठीक है, कि क्या होता है मतलब आपको एक आइडिया हो इसके बारे में। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, सीर टर्म का क्या मतलब है, पॉइनर स्पीशीज क्या होती हैं विद एग्जाम्पल्स, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन को डिफाइन कीजिए, एंडेमिज्म क्या है, इसके अलावा एक्ट्स और डेट्स जो हैं जो जैसे एनवायरमेंट एक्ट है, वाटर एक्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये कब स्टार्ट हुए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। डेट्स वगैरह से बायोलॉजी में नहीं आते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ डेट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूट्रोफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है इसमें पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन इसकी डेफिनेशन आप पढ़ें एनसीईआरटी से। सैनिटरी लैंडफिलिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं, क्या ये बायोडिग्रेडेबल हैं कि नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस पता होंगी आपको, नहीं पता है तो पढ़ें, और इनके कॉम्पोजिशन क्या है, कितने परसेंटेज में रहती हैं, ये इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। चिपको मूवमेंट क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्या इसके कंसिक्वेंसेज रहे, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट वन और टू मार्कर क्वेश्चन हैं वो बताया, और यहाँ पे मैंने आपको पांचों यूनिट के जो इंपॉर्टेंट वन और टू मार्कर क्वेश्चंस होते हैं छोटे क्वेश्चंस वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो पिछले जो वीडियोस हैं यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बायोलॉजी के बताए थे वो आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, इनको और पढ़ लें, ठीक है। आज में ही एक वीडियो और दूंगा, ठीक है, डायग्राम से रिलेटेड, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊंगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, पूरी रात भर पढ़ लो आज, ठीक है, कल फिर पढ़ लेना, कल थोड़ा कम पढ़ लेना और कल सो जाना, नींद जरूर लेके जाना, कल पूरी रात मत पढ़ना, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।